अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका डॉक्टर खुर्रम। तो आज हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम बेसिकली एक नई एप्लीकेशन को लेकर आए हैं जिसका नाम मरकज ऐप है। इसके ऊपर आप बेसिकली अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इस पर ये नहीं कि आप इधर वीडियोस वॉच करें, ठीक है, ये नहीं, इस पर थोड़ी आपको करनी पड़ेगी मेहनत। वो मेहनत क्या है? वो मेहनत ये है कि बेसिकली इसका काम कैसे, काम ये कि ये इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कपड़े होते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक का सामान होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। आप लोगों ने जितना करना है कि इसके ऊपर इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है, और प्रमोट करने के बाद जो बेसिकली जो भी अगर वहाँ से आपके प्रोडक्ट से सेल होती है, ठीक है, मतलब आपकी रेफरेंस से उनके प्रोडक्ट की सेल होती है, तो फिर क्या होगा कि उसका जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं, ठीक है, उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है भाई, अब फिर सपोज कर लेंगे भाई, अगर आपने एक वॉच सेल करी, अब वॉच की प्राइस जो है 1500 है, अब आपने सेल करी 2000 की, तो 500 प्रॉफिट आपका है। अब डिपेंड करता है प्रॉफिट आप कितना अपने पास रखकर सेल करते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी मजेदार एप्लीकेशन है, इस पे बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं। अगर आप इस पे मंथली काम करते हैं, अच्छा खासी अर्निंग इस पे आपकी हो सकती है। आप एक स्टूडेंट लाइफ में है, ठीक है, या एक कॉलेज लाइफ में है, आपको अगर एक पार्ट टाइम अर्निंग अपनी रखनी है या क्रिएट करनी है, तो आप इसको बिल्कुल यूज करें। और इसको यूज करने के बाद इसको आप, अब बेसिकली सवाल ये आता है कि हम इसको यूज करेंगे तो हम कहाँ पर प्रमोट करें, मतलब कहाँ पर इनके इनके प्रोडक्ट्स को, ठीक है, आगे दिखाएं लोगों को, अपने कस्टमर्स को। तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स है कि आपके पास मौजूद होंगे, फेसबुक पे अपना पेज बनाए बनाने के बाद वहां पर इसको अपलोड करें। फेसबुक पर पेज कैसे बनाते, ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने उसकी, ठीक है, वीडियो का लिंक मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर ऐड कर दूंगा कि कैसे आप फेसबुक का पेज बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। और उसके साथ साथ जो है आप बेसिकली एक फेसबुक के अलग अलग ग्रुप्स में जाएं, वहां पर इनके प्रोडक्ट्स को पेस्ट करें, क्या कहते हैं, और फिर वहां से कस्टमर्स को लें। तो जितना आप कस्टमर्स गेन करेंगे बेसिकली उसी उसी के हिसाब से आपकी अर्निंग जनरेट होगी। और इस पे लोग अच्छे खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, 25,000 मंथली उठा रहे हैं आराम से, 35 भी ठीक होगी लोग उठा रहे हैं। तो बस आपको करना है क्या, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ताकि बेसिकली आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलते हैं अपने सेलफोन एप्लीकेशन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आप लोगों ने स्क्रीन पे आ जाना है अपने सेलफोन की, और आने के बाद प्ले स्टोर पे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपने गूगल प्ले पे जाना है, सर्च करना है मरकज़, आप सर्च करेंगे इसको, और सर्च करने के बाद यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ, तो इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा अपने स्क्रीन पर चलता हूँ डेस्कटॉप की, और यहाँ पर आने के बाद देखिए फिर आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जब नया नया अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपसे आपका नंबर मांगेगा, आपने नंबर देना है, और आपके नंबर पर फिर एक कोड आएगा, फिर आपने वो कोड इसमें डालना है। कोड डालने के बाद फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस करता है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, ठीक है, तो वो सब डाल के आप डन कर देना, ये आपका अकाउंट मरकज़ पर बन जाएगा। बनने के बाद फिर आपने बेसिकली जो सेल करने हैं प्रोडक्ट, आपने आना कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पर हर प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग बनी होती है, कॉस्मेटिक के अलग होते हैं, वुमेंस के अलग होते हैं, ब्रांडेड अलग होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हम कर देते हैं बैडिंग का कर देते हैं, या फिर मैं अनस्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मैंने फॉर सपोज करें सिल्क पे क्लिक किया। अब मुझे जो जो प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, अच्छा मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, जिस पर रेटिंग अच्छी आई हुई होती है बेसिकली मैं उसी को आगे शेयर कर रहा होता हूँ। वैसे आप चाहें तो नॉर्मली किसी को भी शेयर करते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट सही लगे उसकी मैं क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है एक बार जिसको आप सेल करना चाहते हैं ना, ठीक है, आप उसको यहाँ से लाजमी का फेवरेट कर लें, क्योंकि अगर आप फेवरेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट यहाँ से आगे पीछे हो जाए लिस्टिंग से, तो आप जब फेवरेट कर लेंगे तो आपके पास वो सेव हो जाएगा। होने के बाद आप शेयर पे क्लिक करेंगे, दोनों पे टिक लगाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स और इमेजेस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे इस इसकी प्राइस बोल रहा है 1199, ठीक है ना, तो आपने कुछ अपना प्रॉफिट रखकर इसको सेल करना है, ये नहीं कि आपने एग्जैक्ट के एसी पर सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है, आपने कुछ प्रॉफिट रख के सेल करना है। पहले आप शेयर पर क्लिक करें, इसका दोनों पर टिक लगाएं, शेयर पर क्लिक करें, इस तरह से ये डाउनलोड करेगा। करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पर शेयर करना है, तो हम WhatsApp पे पहले शेयर कर रहे हैं, मैंने WhatsApp पे क्लिक करा, मैं अपने स्टेटस पे शेयर कर रहा हूँ, स्टेटस पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद फिर मैं अपने ऐड कैप्शन पे गया, जो मैंने कॉपी की थी डिटेल्स मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, और प्राइस भी हैंड टू हैंड यहाँ पर लिख दीजिए, जितने का भी था, पहले दो का था, तीन का था, मैं फिर यहाँ पर
2000 रुपये, ठीक है, फर्स्ट सपोज के लिए मैंशन कर रहा हूँ। ये करने के बाद जैसे ही मैं उसको यहाँ से शेयर करूंगा तो वो मेरे पास मेरे स्टेटस पर पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद सर आप चाहें तो यही चीज़ से ऐसी सर फेसबुक पर पोस्ट करें, अपने इंस्टाग्राम पर सर पोस्ट करें। आप पोस्ट करने के बाद ठीक है अपने फेवरेट पेज को एक बार ठीक है लाजमी कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो आप आएंगे प्लेस ऑर्डर में। यहाँ पर आने के बाद कितनी क्वान्टिटी में चाहिए सर वो यहाँ पर सेट करेंगे, प्लस जितनी भी 1, 2, 3 जो भी है क्वान्टिटी। उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस है, जैसे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो एक्चुअल वो है 1199, तो मैं इसमें प्रॉफिट अगर मैं अपना रखना चाहूँ तो बोला आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, मैंने बोला मुझे चाहिए अपना 500 प्रॉफिट। तो अब ये बोल रहा है कि टोटल होलसेल प्राइस तो इतने हैं, आपका प्रॉफिट मिला के जो उसकी एक्चुअल प्राइस बनती है वो बनती है 1824, यानी कि इसमें डिलीवरी चार्जेस भी ऐड होंगे 125। ठीक है भाई, ये होने के आप ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और कुछ एड्रेस की डिटेल्स मांगेगा आपके कस्टमर्स की, आपने वो ऐड करनी है कस्टमर से पूछ के ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कस्टमर्स के पास कॉल जाएगी, मरकज पहले उन्हें कॉल करेंगे कंफर्मेशन के लिए। कॉल करने के बाद बेसिकली कस्टमर वहां से अगर उस प्रोडक्ट को पक्का करता है तब जाके बेसिकली प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे अपने पास से बुक करेंगे। उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो है बेसिकली 3 से 4 दिन के अंदर कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। जस्ट अभी बैग आना है और ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। बैग आएंगे, बैग आने के बाद जो है आप अपने अकाउंट में आ सकते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सर मेरा अभी फिलहाल ये बैलेंस है, ठीक है, इतने प्रोडक्ट आपने मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, इतना मुझे प्रॉफिट मिला, इतना बोनस हुआ है मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहीं से अपना मेरा प्रॉफिट पर जाके ठीक है देख सकते हैं। और ये कहते हैं जो आपने आइटम फेवरेट लिस्ट पर होंगे आपने फेवरेट क्लिक करना है। यहाँ पर सारे आपके आइटम सेव हुए होंगे जो कि अभी आपने अपने पास फेवरेट किए हुए होंगे। फेवरेट करने का फायदा ये होता है कि आपके पास काफी सारे सेव हुए होते हैं। उसके बाद फिर जो है बेसिकली आपको अगर जब भी विथड्रॉ करवाना हो तो आप अपनी प्रोफाइल पर ही आएंगे। आने के बाद आप क्लिक करेंगे पेमेंट मेथड ऐड करें। यहाँ पर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप जैस कैश या इजी पैसा का जो भी आपका अकाउंट बना हो यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, फिर पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है जो भी आपका प्रॉफिट होता है। तो ये थी वीडियो एंड आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। सो कैसी लगी आपको वीडियो जो कि आज की जो कि हमने मरकज ऐप के ऊपर बनाई है, और मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने अपने जो बेसिकली मेरी खुद की अर्निंग है ठीक है मैंने वो भी आपको उसमें शो करवाई ताकि आप मोटिवेट हो जाएं और आप इसके ऊपर बेसिकली काम करना शुरू करें। और अब ये है कि आप जल्दी से इस पर काम करना स्टार्ट करें और जितना आप से प्रॉफिट ले सकते हैं ठीक है वो आप बिल्कुल लें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आपका फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से तो कोशिश करें कि दूसरों का भी आप इस चीज़ से फ़ायदा करें। ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid of the dark.